हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे 26 सितंबर के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए इस वर्ष भारत की ओर से किस फिल्म को नामित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गली बॉय। और इसमें अभिनेता थे रणवीर सिंह और अभिनेत्री थी आलिया भट्ट। आज का हमारा जो प्रश्न है कि हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, जगजीत सिंह, फिरोज खान, इनमें से एक सही है। आपको कमेंट करके इसको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश में प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए 25 सितंबर से 25 अक्टूबर 2019 तक कौन सा अभियान चलाया जाएगा। तो ये जो अभियान है, डेट आपको याद रखनी है कि 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा, यानी कि एक महीने का पूरा अभियान होगा। और इस एक महीने के अभियान का जो नाम है वो नाम है स्वच्छता ही सेवा अभियान। और इसके बारे में आपको बता दूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती है उस पर प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें इनका जो टारगेट है, सरकार का जो टारगेट है, वो 50 लाख नागरिकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा करवाने का लक्ष्य है। और सभी 378 शहरों में एक साथ ही अभियान का संचालन भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित आदमपुर छावनी में कचरे से कंप्रेस्ड बायो गैस बनाने के लिए पीपीपी मोड में एक प्लांट स्थापित होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कचरे से रोज 200 टन के आसपास कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी, जो आगे चल के वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होगा। और ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, बायोगैस, तो ये बन जाएगी हमारी क्या, CBG। तो जैसा आपका CNG होता है वैसी बनेगा CBG, ठीक है, ध्यान रखें इसको। ए तो आदमपुर छावनी जो है यहाँ पर, उसमें 6 माह के अंदर ही पीपीपी मोड में आपका बन जाएगा। और जो पूरी जो गैस बनेगी इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होगा। और इसके लिए शहर में जितना भी ग्रीन वेस्ट होता है उसको इकट्ठा किया जाएगा। और 300 टन क्षमता का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर भी यहां पे स्थापित किया जाएगा, यानी कि मटेरियल रिकवरी, ठीक है, फैसिलिटी सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और आदमपुर जो छावनी है उस तक पहुंचने वाले जो ड्राई वेस्ट है उसमें मौजूद प्लास्टिक और अन्य उपयोगी सामान को सेग्रीगेट करके उसे रिसाइकल करने के लिए भेजा जाएगा। और ये दोनों जो प्लांट यहाँ पे बनेंगे वो, यानी कि CBG प्लांट और MRF प्लांट, ये दोनों ही यहाँ पर PPP आधार पर इनको बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है, 6 महीने के अंदर ये पूरा आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य शासन ने 6वीं लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की गणना 2017-18 के आधार पर मध्य प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त और उपरोक्त दोनों, इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, यानी कि ये जो कमेटी बनाई गई है किसके लिए, 6वीं लघु सिंचाई गणना के लिए और जल निकायों की गणना के लिए, ठीक है, 2017-18 के आधार पर। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त, इनकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करी गई है। और ये जो बाकी अन्य सदस्य हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप केवल अध्यक्ष याद रखें जो भी कमेटी बनती है। अगला प्रश्न है, हाँ एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कोई कमेटी ऐसी बनती है जिसमें कोई, या तो ऐसी कमेटी हो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दिया करूँगा कि कोई अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है तो उसमें आपको और भी चीज़ें याद रखनी होंगी कि पर्टिकुलरली कभी ये पूछ लिया जाता है कि इस समिति में इनमें से कौन है जो सदस्य नहीं है, या इनमें से कौन है जो सदस्य हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कहाँ पर आपको पूरा याद रखना है। एक और चीज़ गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक बहुत ज़्यादा कम करते हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए यही चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, इसलिए प्लीज़ ये चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखा करें, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 1500 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको पूरा करने में हेल्प करें। आज का ये जो प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में राज्य पर्यावरण पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो राज्य पर्यावरण पुरस्कार समारोह जो है इसका आयोजन करा गया है मिंटो हॉल भोपाल में, ठीक है। और इसमें इस वर्ष 6 श्रेणियों में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया है, कहाँ पे, भोपाल के मिंटो हॉल में। और इसमें आपको बता दूं, पर्यावरण पुरस्कार जो देने की शुरुआत हुई है 1999 से हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो गिनती है वो प्लास्टिक अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन करने वाले राज्यों में
की जाती है। प्रदेश में प्लास्टिक का जो उपयोग है वो सड़क निर्माण और सीमेंट उद्योग में किया जा रहा है अभी आज की डेट में। और ये जो अवार्ड मिले हैं इनमें मैसर्स ट्राइजेंट लिमिटेड बुधनी, सामान्य प्रदूषणकारी उद्योग मैसर्स रेडिशन ब्लू होटल इंदौर, लघु प्रदूषणकारी उद्योग में ये दिया गया है मुंदड़ा स्टील रीरोलिंग मिल, खनिज उद्योग में फॉर्चून स्टोन लिमिटेड छतरपुर, नगर पालिका निगम जबलपुर और नगर पालिका परिषद नागदा, ये जो अवार्ड दिया गया इन लोगों को अवार्ड दिया गया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित कंपनी इन्फोबीन्स ने अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण किया है। देखिए ये इन्फोबीन्स जो कंपनी एक आईटी कंपनी है और इसने अभी अमेरिकी कंपनी है उसका अधिग्रहण किया है। तो ये कंपनी कहाँ की है? इंदौर, इंदौर का जो आईटी पार्क है वहाँ पर इनका ऑफिस है। ठीक है, इंदौर की आईटी कंपनी है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज, इसने अमेरिका की आईटी कंपनी है फिलोसफी इसका अधिग्रहण किया है। और ये जो कंपनी है फिलोसफी कॉरपोरेशन नामक जिस आईटी कंपनी का अधिग्रहण किया है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। हालांकि कंपनी जो है पहले से जर्मनी वगैरह और बाहर भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही थी इन्फोबीन्स। इसका जो कारोबार है वो करीब $10 मिलियन का है और अधिग्रहण के साथ इंदौर की जो इन्फोबीन्स है वो करीब $30 मिलियन वाली देश की बड़ी आईटी कंपनियों में अब शुमार हो जाएगी। और इन्फोबीन्स का जो मुख्यालय है वो फिलहाल इंदौर का जो क्रिस्टल आईटी पार्क है वहाँ पर है। तो आपको ये इसका देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन जिस प्रकार से नेशनल करंट अफेयर्स में इस प्रकार के अधिग्रहण की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर कोई कंपनी है और अगर ये अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण कर रही है तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की महिला सिंधु मेंडके को एशिया वन ब्लॉक स्वान वुमन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो महिला हैं शहर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये महिला रहने वाली हैं आपकी इंदौर की। ठीक है, और इंदौर शहर की ये जो हैं सिंधु मेंडके इनको नेशन सीरीज इंडियाज बेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स अवार्ड एंड बिजनेस समिट 2019 के सौजन्य से एशिया वन ब्लॉक वुमन स्वान वुमन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर हुआ है? ये मुंबई में हुआ है और इनको ये अवार्ड कुशल प्रशासन, कटिबद्धता, नवीन एवं प्रतिभाशाली विचारों से ओतप्रोत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व भूमिका के निर्वहन के लिए ये इनको प्रदान किया गया। और ये जो अवार्ड है इनको स्टेफेनिया कोस्टेजा यानी काउंसिल जनरल फॉर इटालियन रिपब्लिक मुंबई, जनरल अजलन नदजीर काउंसिल जनरल फॉर मलेशिया रिपब्लिक मुंबई एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले इनने इनको ये अवार्ड दिया है। किस किसने दिया है? हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने अवार्ड दिया, किसको मिला है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों मिला है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इंदौर उज्जैन और देवास को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन बोर्ड का गठन किया जाएगा, इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो देखिए इंदौर उज्जैन और देवास, ठीक है, तो इसका मेट्रोपॉलिटन बोर्ड का जो गठन किया जाएगा इनका जो मुख्यालय है वो बनाया जाएगा आपका इंदौर। ठीक है, और ये 6 महीने में इनका जो प्रारूप है वो बन के तैयार हो जाएगा। और जो तीनों प्राधिकरण हैं यानी कि इंदौर प्राधिकरण, उज्जैन और देवास प्राधिकरण, इन ये यूनिट के रूप में रहेंगे और इंदौर जो है वो इनका मुख्यालय रहेगा। ठीक है, ऐसे में तीनों विकास प्राधिकरण अपने अपने हिसाब से नहीं बोर्ड के नियम से काम करेंगे, एक जैसे नियम लागू होंगे और काम में भी आसानी होगी। 6 महीने में इसका प्रारूप जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और प्रमुख सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो इसके CEO बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये पूरा था आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।